कोरोना के प्रति एक बार फिर से प्रयागराज की आम जनता लापरवाह दिखाई दे रही है। जैसे ही दूसरी लहर कमजोर पड़ी वैसे ही लोग जागरूक होते हुए कम नजर आए और लोगों ने मास्क का उपयोग करना कम कर दिया। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम हो रहा है। हालांकि अब लोगों को कोरोना की तीसरी लहर का डर सता रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के ज्यादा घातक होने और तेजी से लोगों को संक्रमित करने की रिपोर्ट से लोग डरे हुए हैं और तीसरी लहर को लेकर रोज आने वाले नए दावे भी चिंता बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस सब के बाद भी संगम नगरी प्रयागराज कोरोना के प्रति लापरवाह बना हुआ है। जिले के लोगों को देखकर लग रहा है जैसे कोरोना खत्म ही हो गया है। अधिकतर लोग ना तो चेहरे पर मास्क लगा रहे हैं ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। हमारी पंजाब केसरी की टीम ने जिले के कई क्षेत्रों का जायजा लिया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर लोग कोरोना वायरस के प्रति कितने जागरूक हैं या फिर सरकार की गाइडलाइंस का कितना पालन कर रहे हैं। कैमरे में रिकॉर्ड अधिकतर लोग मास्क लगाने के प्रति लापरवाह दिखाई दिए। वहीं दूसरी ओर कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे लोगों ने आम जनता से जागरूक रहने की अपील की है कि अभी हम लोगों ने पूरे देश ने कोविड की दूसरी लहर का सामना किया। तमाम लोगों के सामने तमाम मौतें देखने को मिली। आप लोगों ने भी चैनलों के माध्यम से दिखाया। तो मैं ये कहना चाहूँगा उन सभी अपने देशवासियों से प्रदेशवासियों से सभी और प्रयागराज की जनता से खास तौर से कि मास्क का प्रयोग करें, दूरी बनाए रखें। सरकार द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइन दी जा रही है उसका अक्षरता पालन करें, क्योंकि ये देश अभी भी संकट से उबरा नहीं है। ये देश आज भी उतना ही संकट है। हम लोग जितने लापरवाह हो गए हैं ये हमारी भी गलती है और मैं सभी से निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि सरकार द्वारा बताई गई सारी गाइडलाइन का नियमतः पालन करें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, उचित दूरी बनाएं। दूसरी लहर के दौरान जिले के शमशान घाटों से लाशों के अंबार की तस्वीर खूब वायरल हुई थी। हालांकि उस दौरान कोरोना के खौफ में लोगों ने गाइडलाइंस का बखूबी पालन किया था, लेकिन जैसे जैसे कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आई वैसे वैसे प्रयागराज की आम जनता लापरवाह दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में खुद ही देख सकते हैं कि लोग कितने जागरूक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हमारे इस रियलिटी टेस्ट में 30% ही लोग जागरूक नजर आए। उधर शहर की मेयर अभिलाषा गुप्ता ने भी तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए शहरवासियों से कोरोना गाइडलाइंस को पालन करने की अपील की है। मेयर अभिलाषा गुप्ता ने कहा कि लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं, साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का भी पालन करें। और जो तीसरी वेव बता रहे हैं कि वो आने वाली है, ईश्वर न करे आए, लेकिन फिर भी उससे बचाव का उपाय हम सबको करना चाहिए। और उसके लिए आप सबसे अपील मैं करती हूँ कि अगर बच्चों पर है तो सबसे पहले आप स्वयं को वैक्सीनेशन लगवाएं, जिससे आपके द्वारा आपके बच्चों को ना हो। आप रहेंगे ठीक तो आपके बच्चे जरूर सुरक्षित रहेंगे। तो मेरा आप सबसे अपील है और COVID-19 का जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करें। घर पर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है, आवश्यक ना हो तो घर से ना निकलें। कोरोना के प्रति एक बार फिर से प्रयागराज की आम जनता लापरवाह दिखाई दे रही है। हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया है कि किस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं। प्रयागराज एक बार सुर्खियों में तब आया था जब अप्रैल और मई की गर्मी में शमशान घाटों के किनारे लाशों का अंबार देखने को मिला था और ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर बनी थी। ऐसे में उस दौरान लोग जागरूक हुए थे, लेकिन जैसे ही दूसरी लहर कमज़ोर पड़ी वैसे ही लोग जागरूक होते हुए कम नजर आए और लोगों ने मास्क का उपयोग करना कम कर दिया है। हम मौजूद हैं प्रयागराज के, ये नया यमुना पुल है और आप देख सकते हैं हमारे ठीक सामने भी यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाया है और आराम से ये यहाँ पर टहल रहे हैं। मेयर अभिलाषा गुप्ता ने भी सबसे निवेदन किया है, अपील किया है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो ज़रूर करें। ऐसे में प्रयागराज की आम जनता लापरवाही बरत रही है और जागरूक जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनका ये कहना है कि लोग लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, क्योंकि तीसरी लहर
कभी भी आ सकती है और डेल्टा वेरिएंट का बढ़ते हुए मामले हैं वो भी देश में देखे जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से प्रयागराज की आम जनता लापरवाही दिखा रही है। अब देखना होगा कि ऐसे लोगों पर सरकार या फिर प्रशासन कितनी कठोर कार्रवाई करती है। वेणु जलने संगीत उपाध्याय के साथ सैयद आखिर रजा, पंजाब के सी टीवी प्रयागराज। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।